हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे ही रहें। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम आपसे बात करने वाले हैं एक और मज़ेदार से टॉपिक के ऊपर, जो इंस्टाग्राम के ऊपर ही है। तो गाइस, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि रील इंस्टाग्राम की बहुत फेमस हो रही है आजकल। मतलब वहाँ पर से बहुत अच्छी सी पब्लिसिटी गेन कर सकता है कोई भी नॉर्मल बंदा अपनी रील फीचर करवा के, पर वो रील इतनी आसानी से फीचर नहीं होती है। उसके लिए थोड़ी ट्रिक्स लगती हैं, हर किसी की ऐसी वायरल नहीं हो जाती है रील। बहुत तुक्के वालों की होती है, बिल्कुल ऐसे बिना तुक्के लगाए हुए वायरल रील, बल्कि हर किसी की रील वायरल नहीं होती है। बाकी किसी किसी की अच्छी होती है रील, कंटेंट अच्छा होता है, फिर भी वो रील वायरल नहीं होती, क्योंकि रील को वायरल करने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल में लेनी पड़ती है, जो खुद इंस्टाग्राम बोलता है पर वो सबके सामने नहीं बोलता है। कहीं पर इंस्टाग्राम के लिखे रहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपकी रील वायरल होगी। तो उन्हीं ट्रिक्स को आप, मैं आज आपको बताऊँगा जिससे आप अपनी रील वायरल कर सकते हो। और अगर आप ये ट्रिक्स मेरी यूज़ करोगे तो आपकी रील के वायरल होने के चांस 99% बढ़ जाएंगे। मतलब वायरल तो नहीं, पर मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी ट्रिक्स में से कोई सी भी चीज़ यूज़ करोगे तो आपके 1K से अप व्यू तो हर रील पे आएंगे ही सही, 1K से कम तो नहीं आएंगे, 1K पार कर जाएंगे हर रील पे आपके व्यू। और बाकी अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपको बंदे अपने आप ही फॉलो करेंगे। तो गाइस, बस आज की वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो फटाफट से अभी लाइक वीडियो को कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि अगर हम फ्यूचर में ऐसी और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो फिर मैं हूँ अक्षत और आप देख रहे हैं फ्रेश टेल, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अब मैं हम करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, जो रील है वो तीन चीज़ों के ऊपर वायरल होती है, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। वो तीन चीज़ है आपका, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपकी आती है वो है कंटेंट, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आती है वो स्ट्रेटजी, और थर्ड नंबर पर आती है आपकी ट्रिक्स, जो आप ट्रिक्स उसमें यूज़ करोगे। तो हम सबसे पहले कंटेंट के ऊपर ही बात करते हैं। तो गाइस, कंटेंट का कुछ ऐसा है कि कंटेंट मतलब आपको मतलब पूरी अच्छे से वीडियो डालनी पड़ेगी, नहीं तो जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उससे ट्रिक से आपकी वीडियो चल तो जाएगी लोगों के पास, पर जब वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग भाग उसे देखेंगे नहीं और ऊपर खिसका देंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ना आपके फॉलोअर आएंगे ना कुछ होगा, तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। पर अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपका लोग कंटेंट देखेंगे और आपकी वही वीडियो 3-4 बार देखेंगे तो उसके और फीचर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसके बाद आपको लोग फॉलो भी करेंगे और आपके अंदर आईडी में आके आपको फॉलो में और वीडियो पे लाइक भी करेंगे, तो वो बिल्कुल जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे जिनसे आपके फ्री में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो ये मैटर करता है कंटेंट के ऊपर कि आप कैसा कंटेंट डाल रहे हो। जैसे इसमें अभी आपको 3 आइडिया दे देता हूँ, अगर उन 3 आइडियाज़ के ऊपर मतलब उन 3 टॉपिक्स के ऊपर अगर आप वीडियो डालते हो इंस्टाग्राम पर, तो आपकी रील वायरल होने के लिए 100% चांसेस रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक आता है वो हमारा है, आप डांस वीडियो बना सकते हो। डांस वीडियो बहुत चल रही है इंस्टाग्राम रील पे, मतलब अच्छे से वायरल हो जाती है वो बहुत जल्दी। आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो, यानी मोटिवेशन वीडियोस, वो भी बहुत अच्छे से चलती है। और जो मेन वीडियो, जो मेन टॉपिक है मतलब आखिरी हमारा, वो है कॉमेडी। कहीं अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाओगे तो मतलब आपकी 100% मेरी ट्रिक यूज़ करके और कॉमेडी वीडियो डाल के आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी, क्योंकि कॉमेडी कंटेंट अभी बहुत चल रहा है रील पे। अगर आप 15 सेकंड का कॉमेडी कंटेंट डाल दो तो आपके बहुत व्यूज जाते हैं और वो सब आपको फॉलो भी करते हैं, अगर आप उन्हें कॉमेडी कंटेंट रेगुलर डाल के अपलोड करते हो। तो गाइस, एक और मेन बात है कि जैसे आप एक चीज़ को ले लेते हो, जैसे कॉमेडी कंटेंट को ही लेते हो, तो फिर आपको रील पे उसी चीज़ के से ही रिलेटेड आपको पोस्ट डालनी है। ऐसा नहीं कि आज कुछ और रील डाल दी और कल कुछ और रील डाल दी, इससे आपकी जो ऑडियंस है वो अलग हो जाती है। मतलब किसी इंसान को क्या देखना पसंद है फिर वो अलग अलग हो जाता है, तो फिर कोई भी आपको फॉलो नहीं करता, फिर कोई आता ही नहीं है। जैसे उन्हें मालूम है कि इस वाले पेज पे कॉमेडी कंटेंट ही मिलता है, तो वो इसलिए आपको फॉलो कर लेते हैं कॉमेडी कंटेंट के लिए। तो एक आप देख लीजिए आपका कुछ भी, आपको किससे रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बनानी है तो आप उसी टॉपिक के ऊपर पकड़ के वीडियो बनाया जाए, वो फिर वायरल तो मेरी ट्रिक से हो ही जाएगी। तो गाइज, ये था मेरा कुछ कंटेंट के बारे में। अच्छा है, मतलब भाषण तो नहीं दिया ना मैंने लंबा चौड़ा, बाकी ठीक है, आपको समझाने के लिए कह रहा था, आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी जो हमारे सेकंड नंबर पे चीज़ थिंग्स आती है वो रहती है स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी में क्या है, प्रॉपर हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है आपके इंस्टाग्राम रील्स में। अगर आप प्रॉपर हैशटैग लगा लेते हो एक बार, तो फिर आपके रील वायरल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैशटैग से ही रहते हैं। आपका कंटेंट भले कैसा भी हो, अगर आप प्रॉपर हैशटैग लगाते हो तो आपकी रील चलती है। अगर आप हैशटैग
आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो और आप हैशटैग नहीं लगाओगे तो आपकी रील फिर भी नहीं चलेगी। बहुत किस्मत वाले बंदों की रील चलती है बिना हैशटैग के। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे 5 हैशटैग दूंगा जो खुद इंस्टाग्राम के हैं बिल्कुल ऑफिशियल, और उनको अगर आप रील में लगाओगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपके 1 के से ऊपर व्यू हर वीडियो में चल जाएंगे, 1 के से तो कम आएंगे नहीं उन हैशटैग को लगाने के बाद। तो ये कुछ हैशटैग है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर पे हैशटैग आता है उसका नाम है फील इट रील इट, या आप अब लगा सकते हो, ये भी मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा कैसे कौन सी स्पेलिंग रखाएगी। तो फर्स्ट है हमारा फील इट रील इट, सेकंड नंबर पे आता है फील करो रील करो, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है हमारा रील इंस्टाग्राम। आप ये मत लिखना इंस्टाग्राम रील, आप लिखना रील इंस्टाग्राम, तो इससे वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको लिख दूंगा कि आपको कैसा कैसा कौन सी स्पेलिंग कैसी लिखनी है, क्योंकि सॉरी स्पेलिंग भी मेन होती है बहुत हैशटैग को वायरल कराने में। और तो जो थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा, वो है रील्स। इंस्टाग्राम नहीं लिखना आगे पीछे, बस रील्स ही लिखना है। और जो फोर्थ के बाद आता है हमारा फिफ्थ, उसका नाम है एक्सप्लोर पेज। एक्सप्लोर पेज भी बहुत मेन एक हैशटैग है जिससे आपकी वीडियो सर्च में जाएगी, जहाँ पे वो सर्च बार के नीचे वीडियोस आती हैं वहाँ पे आपकी वीडियो जाएगी और वायरल होने के 101% चांसेस बन जाएंगे वहाँ से। तो ये हैं कुछ हैशटैग, ये आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे 5 हैशटैग हैं। इन्हें अगर आप अपनी वीडियो में लगाते हो तो मेरे लिख के दे सकता हूँ आपके 1 के से अब व्यू तो हर वीडियो में आराम से चल जाएंगे, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ हमारे कुछ हैशटैग हैं। आप थर्ड नंबर पे आती है, उसका नाम है ट्रिक। तो वो जो मैंने आपको शुरू में बताई दी थी कॉन्टेंट और एक स्ट्रेटजी, और थर्ड नंबर पे आती है ट्रिक। तो राइट, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में मैं आपको एक ऐसा टाइम बताऊंगा रील पोस्ट करने का जिस पे अगर आप उस टाइम के बीच में अगर रील पोस्ट करते हो आपकी रील चलने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम है हमारा गाइस वो रहता है सुबह का, सुबह सुबह क्योंकि लोग फ्री रहते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो रील चला लेते हैं और काम पे जाने से पहले, तो आप वहाँ सुबह सुबह पोस्ट करोगे। तो जो सुबह सुबह का टाइम रहता है 6 से 8 के बीच में, अगर आप उसमें रील पोस्ट करते हो तो आपकी रील चलने के चांसेस रहते हैं। तो जो सेकंड टाइम रहता है वो है दिन का लंच वाला टाइम, जिसको जो रहेगा 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का, जिसमें आप अगर मतलब 11 से 12 क्या मतलब 1 बजे से 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप रील पोस्ट करते हो दिन में तो वो भी आपकी रील चलेगी। और जो थर्ड टाइम है वो है सबसे मेन टाइम, शाम का टाइम, जब सारे लोग फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, कहीं कहीं नहीं जाना पड़ता उन्हें, तो वो शाम को फ्री होकर बैठते हैं जब रील देखते हैं तो उसमें रील आपके चलने के चांसेस रहते हैं। वो टाइम है गाइस आपका 7 बजे से लेके तो 10 बजे तक का। अगर आप 7 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में रील पोस्ट करोगे तो आपकी रील 100% चलने के चांसेस रहेंगे। और अगर आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो फिर तो चलेगा ही सही गाइस। तो बस गाइस आज की वीडियो में ये कुछ इतने ही सही मेरे हैशटैग थे, पर ये आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि आपकी रील इनसे वायरल हो जाएगी। तो अगर वायरल हो तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे चैनल पे ऐसा अमेजिंग कंटेंट आता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बड़े काम का चैनल मिला है आपको आज। आज क्या पहले सब्सक्राइब कर रखा हो तो ठीक ही है, तो बड़े काम का चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करके रखना, अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।